नमस्कार साथियों, मैं बीएल जांदू उत्थान एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। पिछले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को लेकर मैं आपसे मुखातिब हुआ था। उसमें कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि आपको इंग्लिश डायरेक्ट मेथड से पढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं सभी की जानकारी में ये बात डालना चाहूँगा कि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पर डायरेक्ट मेथड अर्थात इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने से अधिकांश स्टूडेंट्स को समझने में कठिनाई होती है, और सरल तरीके से इंग्लिश सभी विद्यार्थी समझ सकें इसीलिए तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रहूंगा। आज का अपना टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्री पोजिशंस दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजिशन। प्री यानी पहले, पोजिशन यानी स्थिति, यानी वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व आकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उनकी स्थिति स्पष्ट करते हैं, उनका संबंध स्पष्ट करते हैं, वे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि प्रीपोजिशंस नाउन या प्रोनाउन से पूर्व आते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझेंगे। Reena is sitting in the class. इस सेंटेंस में Reena is sitting in the class, इस सेंटेंस में in प्रीपोजिशन है जो क्लास से पहले आया है, और यह क्लास का दूसरे नाउन Reena के साथ संबंध क्या है यह स्पष्ट कर रहा है। एक और सेंटेंस, अ कैट इज सिटिंग अंडर ए टेबल, या अंडर प्रीपोजिशन है जो टेबल के लिए आया है, और टेबल का दूसरे नाउन कैट से क्या संबंध है यह स्पष्ट कर रहा है। तो प्रीपोजिशन शब्द यानी वे शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले अपनी पोजिशन लेते हैं और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उनका क्या संबंध है यह स्पष्ट करते हैं। तो कुछ प्रीपोजिशंस के साथ, उनके एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। उनमें पहला है इन। सामान्य जो अर्थ है, हालांकि प्रीपोजिशंस में अर्थ सबके एक समान ही होंगे, हर वाक्य में ऐसा नहीं है, फिर भी कॉमन जो अर्थ है वो हम लिखेंगे। इन का अर्थ है अंदर। इन शब्द इस सेंटेंस में आता है, इस नाउन से पहले आता है, उसमें स्थिरता का भाव होता है, गतिशीलता नहीं होती। तो इन का अंदर होने का भाव, साथ ही साथ इसमें स्थिरता चाहिए, स्थिर होने का भाव चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, He is sitting
इन द हॉस्पिटल, यहां वह हॉस्पिटल में बैठा है अर्थात उसमें गति नहीं है। वह जो व्यक्ति है वह हॉस्पिटल में बैठा है, स्थिरता का भाव है। तो जहां स्थिरता का भाव हो और अंदर स्थित होने का भाव हो वहां इन आता है। She is playing in the school. अब आप चीज देखेंगे थोड़ा विरोधाभास है। तो तुम बताया कि इन स्थिरता का भाव देता है, इसमें she is playing तो प्ले कर रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से गति कर रही है, लेकिन एक निश्चित स्थान में ही गति करना उसमें इन आता है। इसमें गति तो है लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं है। वो ग्राउंड के स्कूल का जो ग्राउंड है उसी के अंदर खेल रही, शी इज प्लेइंग इन द स्कूल, इसका मतलब स्कूल के कैंपस के अंदर उसके ग्राउंड के अंदर खेल रही है। स्थान परिवर्तन नहीं होता, स्थान परिवर्तन नहीं होता तब तक इन आता है। एक और उदाहरण, अ कैट इज रनिंग इन द रूम। कैट रनिंग यानी गतिशील है, मूवमेंट है, लेकिन एक निश्चित स्थान में कमरे के अंदर ही दौड़ रही है, गेट बंद हो गया है, वो बाहर नहीं जा सकती, स्थान परिवर्तन नहीं है, उसमें इनका भाव आता है। अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा जो शब्द है, प्रीपोजिशन है, वो है इनटू, जहां इन में स्थिरता है वहीं इनटू में गति भी है और स्थान परिवर्तन भी है। यानी जहां गति होगी और स्थान परिवर्तन होगा उस जगह इनटू का प्रयोग होगा। जैसे, और ये गति किस प्रकार की होगी, या तो गति सरल रेखा में होगी या गति डाउनवर्ड होगी, नीचे की ओर होगी या सरल रेखा में गति होगी तो इनटू आएगा। उदाहरण के लिए, सरला जंप्ड इनटू ए पॉन्ड। यहां सरला ने जंप लगाया मतलब गति की, और साथ ही साथ स्थान परिवर्तन भी हो गया। तो जहां गति भी हो और स्थान परिवर्तन हो, गति कैसी हो, जंप लगाया अर्थात डाउनवर्ड ने गति करी, तो गति या तो समानांतर हो या डाउनवर्ड हो तो इनटू का प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस उदाहरण देखिए इसका, द टीचर केम इन टू द क्लास। टीचर क्लास में आया, यानी पहले क्लास से बाहर था, अंदर आया, स्थान परिवर्तन हुआ और साथ ही साथ गति भी हुई। तो जहां स्थान परिवर्तन हो और गति भी हो उसके लिए ये गति समानांतर है और जंप करने वाली गति डाउनवर्ड है, तो जो गति समानांतर हो तो स्थान परिवर्तन भी हो उनमें इनटू शब्द का, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कुछ और आगे यूजेस है इसके देखिए, ट्रांसलेट Following sentences into English.
फॉलोइंग सेंटेंसेस निम्न वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना है, उनके लिए इनटू शब्द का प्रयोग, इनटू प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो इन और इनटू, इसमें दोनों में अंतर और साथ ही इनका यूज, इनके दो स्पेशल यूज हैं, वो भी साथ में बता चलूं, फिर आगे अगला बढ़ूंगा। इनके स्पेशल यूज, किसी पेड़ पे पक्षी बैठता है, हिंदी में ये कहते हैं पेड़ पर पक्षी बैठा है। इंग्लिश में इसके लिए दो डिफरेंट सिचुएशन है। अगर कोई पक्षी पेड़ के शिखर पर बैठा है, अंतिम जो टहनी है उस पर बैठा है, तो आएगा ऑन, अन्यथा ये में लिखते हैं पेड़ पर पक्षी बैठा है, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे इन। अ बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, यहां इन द ट्री का अर्थ है वह उस पेड़ के बीच की किसी टहनी पर बैठा है, किसी डाली पर बैठा है। अगर टॉप पर बैठा होगा तो ही ऑन आएगा, अन्यथा ऑन नहीं आएगा। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, इट मीन्स पेड़ के शिखर पर, सबसे ऊंची टहनी पर बैठा है। एक और इनका स्पेशल यूज है, जब कोई व्यक्ति चेयर पर बैठता है तो उसके लिए इन द चेयर आता है। क्योंकि चेयर जो है हमको तीन तरफ से घेरती है, इसके लिए इंग्लिश में इन का प्रयोग ही होता है। She was sitting in the chair. तो ये इनके स्पेशल यूज थे, इनको into के साथ समझा दिया। इसके बाद तीसरा प्रीपोजिशन on. On का अर्थ है पर, जैसा मैंने पहले ही बताया प्रीपोजिशंस पे अर्थ खास मैटर नहीं करता है, हमें यह समझना है इनका यूज कैसे होता है। ऑन का अर्थ है पर या ऊपर, जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर स्थित हो और दोनों की सरफेस टच होती हो, अर्थात सतह स्पर्श करती हो, उसके लिए ऊपर वाली वस्तु को करने के लिए ऑन प्रीपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, नीचे टेबल है, ऊपर बुक है, और दोनों आपस में बुक है वो टेबल को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, यानी एक वस्तु नीचे दूसरी ऊपर हो और सतह स्पर्श करती हो, ऊपर वाली वस्तु को बताने के लिए, नीचे वाली वस्तु के संबंध बताने के लिए ऑन का प्रयोग होता है। द बुक इज ऑन द टेबल। इसी तरह प्रसिद्ध दिवस या त्योहारों के नाम से पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। On the Republic Day, on Holi, on Diwali, War
जो सप्ताह के वार हैं ऑन संडे, तो इस तरह ऑन के इम्पोर्टेंट दिवस है, त्योहार है, उनके नाम से पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। अगला प्रीपोजिशन, इनको दोनों को जोड़े में पड़ेंगे, अमंग और बिटवीन, क्योंकि इनको साथ में पढ़ने से अधिक समझ में आएगा आपको। बिटवीन दोनों का अर्थ है के बीच, अमंग का और बिटवीन दोनों का अर्थ है के बीच। अमंग का अर्थ है मतलब अर्थ दोनों का एक ही है, के बीच कुछ होगा बहुत से लोगों के बीच, और बिटवीन का अर्थ है दो के बीच, लोग भी हो सकते हैं, स्थान भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकते हैं। वैसे ही कोई दो स्थान, कोई व्यक्ति, कोई दो वस्तु, उनके बीच कोई कंपैरिजन की बात हो अथवा कोई और चीज बताने की बात हो तो बिटवीन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, There is a river between Haridwar and Delhi. तो यहाँ दो शहरों के स्थान, दो स्थानों के नाम दिए, हरिद्वार दिल्ली, उन दोनों के बीच में कोई नदी है, ऐसा यानी दो की तुलना की गई है, दोनों के बीच में कोई स्थान बताने के लिए बिटवीन शब्द का प्रयोग होता है। इसके अलावा दो कोई टाइम है और उनके बीच में कोई गतिविधि होने वाली हो, उनके लिए भी बिटवीन आता है। Our classes runs between 10 a.m. to 5 p.m. दो टाइम दिए हैं, उनके बीच में कक्षाएं चलती है, ऐसा किसी वाक्य में लिखा है। तो Our classes run, बहुवचन है इसलिए, between 10 a.m. 5 p.m. तो ये दो टाइम के बीच में कोई घटना होती है, निश्चित शेड्यूल हो, अथवा दो स्थानों के बीच में कोई चीज हो, उसके लिए बिटवीन शब्द का प्रयोग आता है। अब अमंग, बहुत सारे स्थान या बहुत सारे लोग, बहुत सारे वस्तुओं के बीच में किसी चीज को दर्शाना हो, He was dancing among people. वह लोगों के बीच में नाच रहा था, अर्थात बहुत सारे लोग थे उसके बीच में वो डांस कर रहा था। तो बहुवचन के साथ किसी का रिलेट करने के लिए और उसकी शो करने के लिए अमंग का प्रयोग होता है, और दो स्थान, दो व्यक्तियों या दो कोई समय है उसके बीच में उनकी पोजीशन क्लियर करनी हो तो बिटवीन का प्रयोग होता है। एक और जोड़ा है, उनको भी साथ साथ में समझना जरूरी है। एलोंग और एक्रॉस,
along, a plus long, यानी लंबाई के साथ। उदाहरण के लिए यह है लंबाई और चौड़ाई वाली कोई सड़क है, इस सड़क के किनारे किनारे किसी चीज के बारे में बताना हो लंबाई के साथ साथ ए लॉन्ग, तो अलोंग तो यूज होगा। उदाहरण के लिए यहां पेड़ है सड़क के किनारे किनारे, तो क्या आएगा? There are many trees along the road, रोड के किनारे किनारे। There are many trees along the road, यानी सड़क के किनारे किनारे कई पेड़ हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति सड़क पर पैदल चल रहा है, उसके लिए भी यही आएगा। राजू इज वॉकिंग अलोंग द रोड, राजू सड़क के सहारे सहारे चल रहा है, अर्थ ये सड़क पे चल रहा है, अर्थात सड़क की लंबाई के साथ साथ और प्लस लॉन्ग, सड़क की लंबाई के साथ साथ चल रहा है या पेड़ जैसे स्थित हो रहे हैं, अलोंग प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसी के जोड़े वाला दूसरा जो प्रीपोजिशन है वो है एक्रोस, ए प्लस क्रॉस, कैसा है? क्रॉस यानी पार करना, ए यानी एक बार, यानी लंबाई और चौड़ाई वाली कोई चीज है उसको क्रॉस करके कोई सामने वाली चीज के बारे में इंगित करना है, कोई रिलेट करना है, कोई पोजीशन बतानी है, उसके लिए अक्रॉस शब्द आएगा। क्रॉस तो यह आ सकता है क्रॉस द रोड, लेकिन अक्रॉस क्रॉस वर्ब है, अक्रॉस प्रीपोजिशन है। मान लीजिए ये व्यक्ति यहां चल रहा है और उसको यहां पे कोई टेम्पल दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, तो वो क्या कहेगा? सड़क के उस पार एक मंदिर है, उसको कैसे लिखेंगे? देयर इज ए टेम्पल अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार, सड़क के उस पार एक मंदिर है, यानी लंबाई और चौड़ाई की जो कोई भी चीज है के पार स्थित होने का भाव प्रीपोजिशन से आता है, अक्रॉस आता है, और लंबाई के सहारे सारे कोई चीज को शो करना है तो अलोंग आएगा। बाई और इन को साथ में पढ़ेंगे, ऑन बाई के साथ ऑन को पढ़ेंगे। सबसे पहले दोनों को साथ में इसलिए लिखा है, जब हम किसी साधन पर सवारी करते हैं, अमानत हिंदी में कहते हैं कि मैं बस बाड़मेर गया या बस के द्वारा बाड़मेर गया, तो जिस साधन के अंदर बैठ के यात्रा करते हैं, जो अपने को घेर लेता है, उसके लिए बाई आएगा। जैसे बाई बस
वाई एरोप्लेन, वाई कार, वाई शिप, इन सब के अंदर बैठ के यात्रा कर रहे हैं। अगर ऐसा साधन जिसके अपन ऊपर बैठ के यात्रा करते हैं और अपने को चारों तरफ से घेरता नहीं है, उसके लिए ऑन आएगा। जैसे ऑन बाईसाइकिल, ऑन बाइक, ऑन हॉर्सबैक, यानी वे सवारी के साधन जिनके ऊपर बैठ के यात्रा करते हैं उनमें ऑन आता है, और जिनके अंदर बैठ के यात्रा करते हैं उनके लिए बाइक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ऑन पहले पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन के हिसाब से मैंने बाइक को ऑन के साथ पढ़ा, अब बाइक का अन्य यूज क्या है, बाइक एजेंट के रूप में काम आता है। यानी किसी वस्तु के द्वारा हम कोई काम संपन्न करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उसमें बाई आता है। अगला प्रीपोजिशन है थ्रू। थ्रू का अर्थ है मैं से होकर, अर्थात कोई लंबाई और चौड़ाई वाली स्थान हो उसमें से होकर जाएं, इसे गुजरने का भाव हो तो थ्रू आता है। जैसे द कैब सेलर वाज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, जंगल तो लंबाई और चौड़ाई में स्थित है ना, जंगल है, उसमें से होकर जा रहा था, तो थ्रू, थ्रू यानी मैं से होकर, लंबाई और चौड़ाई वस्तु हो स्थान हो उसमें से होकर जाना थ्रू। अ कैट केम इनटू द रूम थ्रू ए विंडो, खिड़की में से होकर बिल्ली रूम में आई, तो मैं से होकर, तो ये है बाई का, उसके बाद में थ्रू का यूज। अब एट और ऑन का, सॉरी इन का, एट और इन का तुलनात्मक तो कैसे करते हैं, इनका यूज इन द इवनिंग in the morning in daytime lekin at mein at night night se pehle at aayega at मिडनाइट, ऐसे ही घड़ी के टाइम से पहले एट आता है, एट फाइव ओ क्लॉक, तो घड़ी के टाइम से पहले भी एट आता है, इवनिंग मॉर्निंग इनसे पहले इन, नाइट मिडनाइट इनसे पहले
एट का प्रयोग होता है। इसके अलावा एट और इन का तुलनात्मक उपयोग स्थान की दृष्टि से भी होता है। जब एक ही स्थान पर किसी के रहने का भाव हो तो इन नहीं आता है, क्योंकि स्थिरता का भाव होता है। जैसे आई लिव इन इंडिया, एक ही स्थान का जहां भाव आता है वह इन आता है रहने के अर्थ में, या कोई चीज स्थित होने के अर्थ में। लेकिन जब दो स्थानों की तुलना की जाए तो छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग होता है। जैसे आई लिव एट बाड़मेर इन राजस्थान, तो छोटा स्थान दोनों की तुलना में, राजस्थान बड़ा है इसलिए इन तुलना में छोटा है, बाड़मेर एट आएगा। तो एट और इन का ये तुलनात्मक उपयोग बड़े स्थान के लिए इन आता है, छोटे स्थान के लिए एट आता है। ये कुछ मुख्य मुख्य प्रीपोजिशंस और उनका तुलनात्मक उपयोग। और भी कई प्रीपोजिशंस अपन किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी तरह सरल तरीके से इंग्लिश को अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को एनरिच करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में आप किसी भी एग्ज़ाम में अटके नहीं, क्योंकि मैं पहले भी पूर्व के वीडियो में कह चुका हूँ कि स्कूल लेवल पे इंग्लिश अच्छी होती है, वह हमेशा बाकी सारे स्टूडेंट्स से लीड करता है, कॉन्फिडेंट होता है और निश्चित रूप से हर कंपटीशन में अपने आप को प्रथम पंक्ति में खड़ा पाता है। उत्थान एजुकेशन जुड़कर आप प्रथम पंक्ति के स्टूडेंट बने, कंपटीटर बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।